हेलो एवरीवन, डीएस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्कूल बंद होने का मतलब पढ़ाई बंद होना नहीं है। डीएस साइंस एकेडमी ने हमेशा से बेस्ट फैकल्टी टीम को रखकर हमेशा ऐतिहासिक रिजल्ट दिए हैं। स्टूडेंट्स व अभिभावकों ने माना है कि डीएस साइंस एकेडमी सक्षम है क्वालिटी एजुकेशन द्वारा बेस्ट रिजल्ट देने में। आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं डीएस साइंस एकेडमी की ऐप को किस तरह डाउनलोड करें, किस तरह से एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, इसके सभी फीचर्स का उपयोग कैसे करें, ऑनलाइन लेक्चर कैसे देखने हैं, असाइनमेंट व डीपीपी किस तरह से देखनी है व सॉल्व करके अपने टीचर को सबमिट करानी है, किस तरह डाउट पूछना है, पूरे चैप्टर को एक सिस्टमैटिक तरह से तैयार करवाने की बेस्ट प्लानिंग के साथ डीएस साइंस एकेडमी तैयार है रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग देने के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर से पूरी जानकारी ले सकते हैं। डीएस साइंस एकेडमी शिक्षा जगत में एक ऐसा नाम है, एक ऐसी संस्था है जो आपकी स्टडी को किसी भी स्थिति में रुकने नहीं देगी। आप डीएस साइंस एकेडमी से जुड़िए, अच्छा पढ़िए, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़िए। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, डीएस साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का वेलकम है। डीएस साइंस एकेडमी ऑनलाइन ऐप को कैसे डाउनलोड किया जाए, उस पर स्टडी कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जो सर्चिंग वाला ऑप्शन है उसमें आप डीएस साइंस एकेडमी लिखें और डालें। चलिए, जैसे ही आप डीएस साइंस एकेडमी प्ले स्टोर में सर्च करते हो तो ये एक ऐप आएगा जिसका लोगो इस प्रकार है, देख सकते हो। इसका नाम है डीएस साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस ऐप को इंस्टॉल करें। तो पहला काम जो है आपका, वो आप प्ले स्टोर में जाएं, इसको इंस्टॉल करें। यहाँ आप इसको 5 स्टार दें, साथ ही साथ अच्छा रिव्यू भी दें। और ये बहुत ही ईजी सा एक ऐप है जिसमें आप लोग ईजिली स्टडी कर सकते हो। मैं अभी इसके सारे फीचर्स को पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, ये थोड़ी देर में कंप्लीट डाउनलोड होने वाला है। अब ये यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन करें। ये डीएस साइंस एकेडमी का लोगो है। मैं वापस से बैक करके बता देता हूँ। ये जैसे मेरे मोबाइल में यहाँ पर इंस्टॉल होकर आया है, जैसे यहाँ पर जब ये इंस्टॉल होकर आया है तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, तो जाते ही ये वेलकम और आप लोगों को लॉगिन के लिए बोलेगा। देखिए, यहाँ पर दो कंडीशंस आप लोगों के लिए रहेंगी। एक तो वो स्टूडेंट जिसने पहले से ही एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स के पास यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं। और जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट है जिसके पास ना तो कोई यूजर नेम है ना ही कोई पासवर्ड, तो वो सबसे पहले अप्लाई फॉर एडमिशन पर जाएं। जब आप अप्लाई फॉर एडमिशन पर जाओगे तो यहाँ जहाँ स्टूडेंट्स नेम लिखा हुआ है वो आप अपना नाम यहाँ लिखें। अपना ईमेल यदि आप लोगों के पास अवेलेबल है तो उपलब्ध करवाएं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपको वो सारी डिटेल्स जरूर देनी है जिन पर स्टार मार्क लगा हुआ है। जेंडर बताएं आप, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, रिलीजन, कैटेगरी, क्लास, फिर आप लोग यहाँ ठीक से सेलेक्ट करें जिस क्लास में आप स्टडी करना चाहते हो। 11th में, 5th, 4th, 3, 2, 6, 7th, 8, 12th, न्यू में, 12th में, टारगेट बैच में, फर्स्ट में, टारगेट न्यू में, जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस क्लास को यहाँ सेलेक्ट कर लें। अपने मीडियम को सेलेक्ट कर लें, अपने फादर के कॉन्टैक्ट नंबर, मदर्स नेम, मदर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, ये सब आप लोग यहाँ फिल कर सकते हो। और फिल करने के बाद लास्ट में सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करोगे हमारे पास यहाँ इसकी इंक्वायरी आएगी। हमारी मैनेजमेंट टीम इस पर तुरंत एक्शन लेती है और आप लोगों के पास एक मैसेज पहुंचेगा, जिस मैसेज के थ्रू आपको यूजर आईडी मिलेगा वे पासवर्ड मिलेगा। मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं कि यूजर आईडी वे पासवर्ड का टेक्स्ट मैसेज आप लोगों के मोबाइल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के पास यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है, तो आप सबसे पहले डीएस साइंस एकेडमी ऐप में लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले इसमें यूजर नेम वे पासवर्ड डालें। यूजर नेम में पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे, हो सकता है कभी कभी आप लोगों के पास इस तरीके की एक स्क्रीन आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे ऐप की खास बात यह है कि ये ऐप एक बार में केवल एक ही डिवाइस में ओपन होता है। इसका मतलब आपकी यूजर आईडी में पासवर्ड किसी दूसरी डिवाइस में यूज हो रहे हैं, तो इसके लिए आप लॉग आउट ऑल कर दें। जैसे ही आप लॉग आउट ऑल करोगे तो अब ये केवल आपके मोबाइल में या आपकी डिवाइस में ही ओपन होगा और उसके बाद आप लॉगिन कर दें। इस तरीके का स्क्रीन आना आवश्यक नहीं है।
यह आपके डिवाइस में डायरेक्ट भी लॉगिन हो सकता है यदि आपकी यूजर आईडी किसी और डिवाइस में यूज नहीं हुई है तो। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन को ठीक से देख लें, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, एकदम स्टूडेंट के लिए इजी एप्लीकेशन है। मैं वन बाई वन इस एप्लीकेशन के सारे फीचर्स को आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले तो इसकी सबसे खास बात, जो भी टाइम है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग इसमें दिया हुआ है। इस ऐप में आपका नाम भी आता है, साथ ही साथ यहाँ आप देखोगे सेशन के ऊपर इन तीन लाइन्स पर यदि आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर होम अबाउट अस वेबसाइट सेटिंग रेट दिस ऐप लॉग आउट जैसे फंक्शंस आते हैं। होम का मतलब वापस से यही पेज आ जाएगा क्योंकि यही इसका होम पेज है। अबाउट अस में यहाँ आप लोगों को डी एस साइंस अकेडमी, ठीक है, डी एस साइंस अकेडमी की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ आप कॉल भी कर सकते हो, कॉल करने के लिए भी दिया हुआ है। वेबसाइट है यहाँ पर, तो वेबसाइट यहाँ ओपन हो जाती है, ठीक है। सेटिंग्स में आप जा सकते हो, सेटिंग्स में जाकर आप अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। इसके साथ ही साथ यदि आप लोगों को यहाँ इसको रेटिंग देनी है ऐप को, तो यहाँ से रेट भी दे सकते हो और लॉग आउट भी यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ आप लोग माई लेक्चर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। माई लेक्चर्स वाले ऑप्शन में आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे। अब आप एकदम फ्रेश स्टूडेंट हैं तो पहले तो आप अपनी डेट सेट कर लें, माना कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत टाइम से स्टडी कर रहे हैं, तो ये आज की डेट के लेक्चर डले हुए हैं। आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ 28 अप्रैल है, तो टुडे में आज 28 अप्रैल के लेक्चर्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, सारी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बाई चांस जैसे आपका नया बैच 21 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ डेट सेट करने के दो तरीके हैं। यदि आप इधर क्लिक करते हो, जैसे मैंने यहाँ ये क्लिक किया, यहाँ ये क्लिक किया, तो डेट वन बाई वन बैक में जाती है। यहाँ यदि आप क्लिक करते हो, यहाँ क्लिक किया मैंने या यहाँ क्लिक किया, तो डेट वन बाई वन आगे चलती चली जाती है, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत ही प्रीवियस डेट में जाना है तो यहाँ जाकर भी आप डेट सेट कर सकते हो। जैसे आज है 28 अप्रैल और बाई चांस आपका बैच स्टार्ट हुआ है 21 अप्रैल से, तो आप 21 अप्रैल पर क्लिक करें और यहाँ सेव कर दें, तो यहाँ 21 अप्रैल के लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को दिखाई देंगे। डेट सेट करने के बाद अब आप लोग लेक्चर्स कैसे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ आज की डेट के लेक्चर्स ही या फिर किसी भी डेट के जो आपको देखने हैं उनकी यहाँ मैं बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ जैसे ये हम लोगों ने 11th क्लास का एप्लीकेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ केमिस्ट्री में कुछ लेक्चर्स हैं, फिजिक्स में भी आए हुए हैं, मैथ्स में भी आए हुए हैं। जैसे केमिस्ट्री में थर्मो केमिस्ट्री, फिजिक्स में स्प्रिंग मास सिस्टम, केमिस्ट्री में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, मैथ्स में हाइपरबोला है, फिजिक्स में फ्लूड है, मोटिवेशनल सेशन भी एक यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सारी सब्जेक्ट्स के लेक्चर हैं। देखेंगे कैसे, आप देखने का तरीका ये है कि जैसे आप लोगों को फिजिक्स का लेक्चर देखना है तो यहाँ फ्लूड का लेक्चर देखना है तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ प्ले का बटन आएगा, इस प्ले बटन को भी आप क्लिक करें। जैसे ही आप लोगों ने प्ले बटन क्लिक किया, so, क्लिक करते आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फिजिक्स यहाँ आप लोगों को पीएन सर पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आप लोग केमिस्ट्री में भी देख सकते हो, मैथ्स में भी देख सकते हो। जैसे आप लोगों को यदि केमिस्ट्री का देखना है तो यहाँ प्ले करें, प्ले करते ही आप लोगों को केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। हेलो ग्रेट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स माय सेल्फ, तो हरीश सर जो है यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को देखनी है, जो भी टॉपिक जिस डेट में आप लोगों को देखना है, तो इस तरीके से आप लेक्चर को प्ले कर सकते हैं। अब चलिए जी बात करते हैं माई असाइनमेंट्स पर। यहाँ पर आप लोगों को टीचर्स द्वारा दिया हुआ होमवर्क अवेलेबल होता है, ठीक है। टीचर्स जो भी आपको डीपीपी देते हैं, टीचर्स जो भी आपको असाइनमेंट देते हैं, टीचर्स जो भी आपको होमवर्क देते हैं, वो यहाँ दिखाई देता है। जैसे फिजिक्स में डीपीपी 3 SHM की दी हुई है, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स की सीट है, ऐसे केमिस्ट्री में एस ब्लॉक की डीपीपी दी हुई है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डीपीपी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये मिलेंगी। अब देखिए जी, जैसे आप लोगों को यहाँ डीपीपी 3 SHM की हम बात करें, तो सबसे पहले इसको देखने का तरीका क्या है, आप व्यू बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप व्यू बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ ये जो भी आप लोगों के पास इसका प्लेयर होगा, Adobe Acrobat या फिर जिस भी तरीके का ड्राइव है उसमें ये ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ ये फिजिक्स की DPP जो है वो यहाँ कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें वन बाई वन टोटल 10 questions हैं, उनकी आंसर की है और टफ क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशंस और हिंट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग केमिस्ट्री में भी देख सकते हो, इसी तरीके से मैथमेटिक्स में, बायो में या अदर क्लास, आप जिस भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, लोअर स्टैंडर्ड पर, हायर स्टैंडर्ड पर, जिस भी क्लास में हैं आप, सबके असाइनमेंट्स आप लोगों को यहाँ दिखाई देंगे। अब इन असाइनमेंट्स को आपको सॉल्व करना है।
सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो सबमिट भी करने होते हैं। तो आपको सबमिट करने का मैं यहाँ तरीका बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने सॉल्व किया, अब आप लोगों को इसको सबमिट भी कराना होता है ताकि टीचर चेक कर सके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको उसके बारे में वो बता सके। तो इसका तरीका क्या है, देखिए जी, योर सबमिशन यहाँ लिखा हुआ है, सेलेक्ट अटैचमेंट, तो आप ऐड अटैचमेंट पर जाएं। ऐड अटैचमेंट में हो सकता है आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो डीपीपी या असाइनमेंट सॉल्व किया है उसकी कोई पहले से फोटो क्लिक की हुई हो, वो गैलरी में सेव है, तो ऐड फ्रॉम गैलरी, गैलरी से उसको डाल दें। या फिर आप तुरंत ही हाथों हाथ ओपन कैमरा, जैसे आप लोगों ने ये कैमरा यहाँ ओपन किया, और ओपन कैमरा करने के बाद ये एक बार ये परमिशन मांगेगा, ऐप के फीचर्स होते हैं, तो जैसे ये है यहाँ पर, ये माना कि आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया हुआ है, तो तुरंत ही आप लोग इसको क्लिक करके इस तरीके से यहाँ भी आप सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ अपने असाइनमेंट को, कोई पीडीएफ आपने बनाई हुई है तो पीडीएफ के तौर पर भी, आप लोगों ने कोई ऑडियो बनाया है तो ऑडियो के तौर पर भी, ऑडियो आप हैंड टू हैंड भी रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इमेज पिक अल्टरनेटिव जो भी, ये बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत ही अच्छा ऐप है ये, देखिए आपको कितने ऑप्शंस दे रहा है। आप तुरंत हाथों हाथ भी कैमरे से फोटो क्लिक कर सकते हो, पहले से सेव है तो भी, पीडीएफ को भी, ऑडियो भी आप भेज सकते हो, या रिमार्क के तौर पर आप लिख सकते हो कि सर मैंने असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है, जो भी आप लोगों को ठीक लगे टॉपिक का नाम लिख सकते हो, देन उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। थोड़ी ही देर में ये रिलेटेड फैकल्टीज़ के पास, रिलेटेड टीचर्स के पास आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। ये असाइनमेंट की बात हुई। अब बात आती है इसके सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन के पार्ट, डिजिटल लाइब्रेरी की। डिजिटल लाइब्रेरी में जैसे अभी हम लोगों ने जहां लॉगिन किया हुआ है वो जेई आईआईटी जेई बैच के लिए किया हुआ है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीन सब्जेक्ट्स यहां यूज होती हैं, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स की डिजिटल लाइब्रेरी है। जैसे मैं बात करता हूं फिजिक्स की, फिजिक्स में आप जैसे ही जाओगे सबसे पहले डीएस सीट है फाउंडेशन के लिए, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, जिस भी तरीके से मॉड्यूल वन बाई वन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉड्यूल्स डीएस साइंस एकेडमी प्रोवाइड करवाता है। ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आप बहुत सारी बुक्स भी आपको मिलेंगी यहाँ, एनसीईआरटी है, सिंगेज है, एच सी वर्मा है, यूनिवर्सल बुक्स है, एररलेस फिजिक्स वॉल्यूम 1 है, जिस बुक की आप स्टडी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे ही आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, डीएस सीट है बुक्स में, एनसीईआरटी है, जीआरबी बुक्स है, बीके जायसवाल वाली बुक है, या फिर ऐसे ही आप लोगों को मैथ्स में भी काफ़ी मैटर जो है मिल जाएगा, डीएस सीट है बुक्स के अंदर, फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की है, एनसीईआरटी प्रेजेंट है, तो ये आप लोगों का डिजिटल लाइब्रेरी का फंक्शन हुआ। अब सबसे खास बात, स्टूडेंट स्टडी तो कर रहा होता है लेकिन उसको डाउट्स भी स्टडी के दौरान आते हैं, यहाँ पर डाउट काउंटर प्रेजेंट है, जिसमें आप लोग जैसे ही डाउट ओपन करोगे, इस पर आप लोगों ने क्लिक किया, ओपन किया, तो यहाँ ओपन ये हो गया, ओपन होने पर देख रहे हो कि अभी कोई भी डाउट यहाँ से पूछा नहीं गया है। तो आपको मैं पहले तो डाउट आस्किंग का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप ये प्लस वाले बटन पर क्लिक करोगे, बटन पर क्लिक करते ही आप सब्जेक्ट चुनोगे कि आप फिजिक्स में डाउट पूछना चाहते हो, केमिस्ट्री में, या मैथ्स में, तो आप एक सब्जेक्ट को चूज करोगे। जैसे मुझे यहाँ फिजिक्स में डाउट पूछना है तो मैंने फिजिक्स चूज किया। उसके बाद टाइटल में जो भी टॉपिक है या जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चैप्टर आप लोगों को चल रहा है उसका यहाँ नाम लिखें। जैसे फिजिक्स में आप लोगों का एसएचएम चल रहा है तो एसएचएम लिख दें, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स लिख दें। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको जो लगे कि डाउट को इस तरीके से मुझे बताना है वो तरीका लिख दें। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आप लोगों को पूछना है कि सर इसमें ये आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर कैसे हुआ है, या फिर इसमें कितने 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, जो भी आप लोगों को पूछना है यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दें। उसके बाद यहां आता है आपके पास सबसे बेहतरीन तरीका, ऐड अटैचमेंट, या ऐड अटैचमेंट पर जाएं। जैसे आप लोगों ने पहले असाइनमेंट को अटैच किया था, इस तरीके से आप अपने डाउट को भी अटैच कर सकते हो। गैलरी में पहले से फोटो है उस डाउट की तो फोटो भेजिए आप, या फिर कैमरे को तुरंत ओपन करके तुरंत आप फोटो यहां पर क्लिक कर सकते हो, पीडीएफ, ऑडियो, बहुत सारे तरीकों से आप ऐड अटैचमेंट करके फिर आप सबमिट कर सकते हो डाउट को। जैसे ही आप डाउट सबमिट करोगे, हमारे पास सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स जो हैं जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके पास ये डाउट जाएगा और बहुत ही जल्दी उसी दिन ही आपको उस डाउट का आंसर मिल जाएगा। तो ये आप लोग डाउट के बारे में जाने। अब बात आती है माई एग्जाम्स। माई एग्जाम्स फीचर जो है वो ये बताता है कि कब आपकी एग्जाम होनी है, क्या आपका सिलेबस है और आपको एग्जाम कैसे देनी है। तो चलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। माई एग्जाम्स के अंदर आप गए एक्टिव, इसका मतलब आज कोई टेस्ट नहीं है, नो टेस्ट यदि आ रहा है तो। अपकमिंग, चलिए जी देखते हैं क्या अपकमिंग टेस्ट कौन सा है। तो अपकमिंग टेस्ट के बारे में ये बता रहा है यहाँ पर कि 2 मई को अपकमिंग टेस्ट है, माइनर टेस्ट 20 है, ये जेई बैच के लिए है, बैच का नाम 12th न्यू JTR है, ठीक है, और ये 180 मिनट्स का है, 75 क्वेश्चन आएंगे, इंस्टीट्यूट ये टेस्ट है, डिटेल्स जानते हैं
क्या क्या डिटेल्स है। डिटेल्स में देखिए 300 मार्क्स का है, 75 क्वेश्चंस है और सिलेबस आप लोगों को बताया। फिजिक्स में रोटेशनल मोशन एंड SHM है, केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एंड थर्मो है, मैथ्स में ऐसे ही हाइपरबोला ट्रिग्नोमेट्री एंड बाइनोमियल थ्योरम है। तो आप लोगों ने जान लिया कि आज कोई टेस्ट नहीं है, अपकमिंग टेस्ट के सारे सिलेबस एंड डिटेल्स आप लोगों ने देखे। जो टेस्ट पहले हो चुका है तो अभी कोई पहले कोई टेस्ट हुआ नहीं है यहाँ पर, तो नो टेस्ट। बाकी यदि कोई टेस्ट हो चुका होता है तो यहाँ उसकी सारी डिटेल्स आपको मिलती है। डिटेल्स इट मीन्स आप लोगों ने क्या स्कोर किया, किस तरीके के क्वेश्चंस आए, आंसर की सॉल्यूशन सब आप लोगों को यहाँ मिलता है। ठीक है, अब जिस दिन आपका माना कि किसी दिन टेस्ट होना है तो उस दिन यहाँ पर टेस्ट आएगा। जैसे कल यदि आपका टेस्ट होना है तो कल की डेट में यहाँ टेस्ट शो करेगा। अब जिस टाइमिंग पर होना है, माना कि 3 PM होना है, तो 3 PM पर वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होते ही ये एक्टिव होते ही आप उसको स्टार्ट कर सकते हो और ईजिली इस एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो। तो आप ये माई एग्जाम्स के बारे में सीखे। माई एग्जाम्स के बाद स्कोर बोर्ड में जब आप जाओगे तो टेस्ट सीरीज जो आप लोगों ने वाली ज्वाइन की हुई है, उस टेस्ट सीरीज के रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ दिखाई देंगे। जैसे गो टू टेस्ट में अपकमिंग पास्ट ये तो है ही है, जो मैं आपको पहले बता रहा था टेस्ट के बारे में। साथ ही साथ क्योंकि अभी ये एक नई आईडी है तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है बाकी मैं इसके फीचर के बारे में बता देता हूँ। आपकी क्लास में रैंक क्या रही है, ओवरऑल रैंक क्या है, आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं और आप का जो टेस्ट से रिलेटेड रिजल्ट रहा है उसका ग्राफ क्या चल रहा है, इस सब के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बताए जाएंगे। आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया है, क्या कोई क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया है या बहुत टाइम के साथ सॉल्व किया है। इट मीन्स एक तरीके से ये कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस है। ऑफलाइन में इस तरीके का एनालिसिस आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता है, जबकि इसमें ये फीचर अवेलेबल है। आपको पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने 10 सेकंड में कर दिया और कौन से क्वेश्चन में आप लोगों ने 4-5 मिनट्स लगा दी हैं। तो इससे एक तरीका पता रहता है जेई एस्पायरेंट को, नीट एस्पायरेंट्स को, वो अपनी अच्छी तरीके से ठीक स्टडी कर सकता है। स्कोर बोर्ड के बाद अब आपके पास एक फीचर और है, इसमें बुकमार्क लिस्ट। बुकमार्क लिस्ट में आप लोगों के लिए क्या यूजफुल है, ये इस तरीके से यूज किया जाता है कि किसी क्वेश्चन को आप लोगों को बार बार में स्टडी करना है, बार बार में याद रखने की जरूरत आ रही है, तो आप लोग जहाँ स्कोर बोर्ड में माई एग्जाम से जहां आपको टेस्ट शो दिखाई देता है, प्रीवियस टेस्ट जो लगता है, पास्ट टेस्ट में जहां आप जाएंगे तो वहां मार्क करने के लिए ऑप्शन आ रखा होता है, उस ऑप्शन को आप मार्क करें तो वो मार्क होकर बुक मार्क लिस्ट में रहेगा, तो आप बार बार देख सकते हैं। इट मीन्स एक तरीके से हाईलाइटर है, जैसे आप अपनी ऑफलाइन नोटबुक में हाईलाइट कर लेते हो, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को हाईलाइट कर लोगे वो बुकमार्क लिस्ट में दिखाई देगा। जैसे आप लोग कई बार गैलरी में फोटो वगैरह को स्टार मार्क कर लेते हो तो वो अलग से दिखाई देती है, तो यहाँ वो क्वेश्चंस जो हैं आपको अलग से दिखाई देंगे। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को माई लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, डिजिटल लाइब्रेरी, डाउट, माई एग्जाम, स्कोर बोर्ड, बुकमार्क लिस्ट, जितने भी फीचर्स हैं इस ऐप से रिलेटेड बेहतरीन सब के बारे में बताया। अब एक खास बात और, यहाँ आप जाते हो यहाँ आपकी डिटेल्स मिलेंगी। आपको यदि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ये नोटिफिकेशन वाला पार्ट है, ये आपका होम पेज है, यहाँ ये आप लोगों का आईडी पेज है, यहाँ ये आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन पेज है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, कल के लिए कुछ जो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन देना था, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का दिया गया है। मनोज सर ने जैसे थर्मोडायनेमिक की लाइव क्लास ली थी तो उसका पहले ही आप लोगों को प्री इन्फॉर्म के लिए दिया हुआ है। हमारे डायरेक्टर उमेश शर्मा सर, एकेडमिक हेड एबी सर ने ओरिएंटेशन मीटिंग जो थी उसके बारे में प्री इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ नोटिफिकेशन एक तरीके से मैसेज आपके पास पहले से ही आ जाया करेंगे। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी करने के लिए ये सबसे बेहतरीन व आसान ऐप है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को नहीं आती है। वो ईजिली यहाँ लॉग इन करने के बाद इन सब ऑप्शन जितने भी हैं, यदि लेक्चर देखना चाहता है तो लेक्चर देखे, असाइनमेंट चेक करना चाहता है असाइनमेंट बनाए अपने, लाइब्रेरी से बुक स्टडी करे। और मैं ये मानता हूँ ये एक बहुत ही इजी गोइंग ऐप है जिसमें स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, DS साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ें और स्टडी का बेहतरीन लाभ लें।